हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का संवाहक बना, जहाँ घृणा हो वहाँ मुझे प्रेम पैदा करने दे, जहाँ अहंकार भावना हो वहाँ मैं क्षमा करूँ, जहाँ मतभेद हो वहाँ एकता बनाऊँ, जहाँ शंका हो वहाँ विश्वास, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा, जहाँ अंधकार हो वहाँ प्रकाश का, और जहाँ दुख हो वहाँ आनंद का संचार कर। हे दिव्य गुरु, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं सांत्वना पाने की अपेक्षा सांत्वना देने का प्रयत्न करूं, कोई मुझे समझे इसकी अपेक्षा में दूसरों को समझूं, कोई मुझसे प्रेम करे इसकी अपेक्षा में दूसरों से प्रेम करूं, क्योंकि दान में ही प्राप्ति है, क्षमा करने से ही क्षमा मिलती, और मरण मरण में ही हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। आमीन। हे ज्योतिमय परमपिता, आपकी महिमा हो। हे पवित्र आत्मा, अपने पवित्र वचनों से मैं भर दे, हम आप की रचना है प्रभु। हे परमपिता, आप सृष्टि के रचनाकार हैं, मुझे आपकी जीवन और पाक रूह की जरूरत है, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है कि आपकी महिमा अनंत काल तक है, हमारे साथ है। हे प्रभु, हमारे जीवन में पापों को आने ना दे, हमारे अंदर घमंड आने ना दे, आपको हमारे जीवन के बारे में सब कुछ पता है। हे पिता, हम आज भी पाप गुनाह करते हैं, हम नाना प्रकार के पापों गुनाहों से घिरे हुए हैं। हे प्रभु, हमें बचा ले। हे परम पिता, हमें पवित्र बना पिता, हम पवित्र होना चाहते हैं, और हमें विश्वास है पिता आप हमें पवित्र कर सकते हैं। हे पिता, हमें अपना जीवन दे पिता, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, और आपके मार्ग और वचनों पर चलना चाहते हैं। हे पिता, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं, क्योंकि हे पिता, आप हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ आपका है, दिया हुआ है पिता। हे यीशु पिता, इन सभी सुख सुविधाओं को आप संपूर्ण हृदय से धन्यवाद प्राप्त करते हैं। हे पिता, हम अपने घर जॉब परिवार व्यापार सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी कमजोरियों को कमियों को लेकर आपके पास आ सकते हैं। हे परम पिता, हमारी मदद करें, आपकी तरफ मैं अपने हाथों को उठाता हूँ, क्योंकि आप हमारे स्रोत हैं पिता। हे प्रभु, हम आप पुकारते हैं, हमें पापों से बाहर निकालें। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में अपने जीवन भेज उत्पन्न करें। हे पिता, हमें अपने जीवन के मार्ग पर चलाएं, हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे दिल की भावनाओं समझने क्षमता आप में है। हे प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में पवित्रता और आशीर्वाद लेकर आए हैं पिता। हम आपके सामने अपने हाथों को उठाकर घुटने पर आते हैं,
सर को झुकाकर आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम आप समर्पित करते हैं पिता। हे पिता, हम आपके समर्पित पुत्र हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिससे हम समाज में सद्गुण से भरपूर जीवन जीने का मांग करते हैं। प्रभु आप हमारे आत्मिक पिता हैं। प्रभु आपकी दया और कृपा अनमोल है। आपने हमें प्यार से बनाया है और आप बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हम आपके सामने अपनी कमियों और कमजोरियों को लेकर आते हैं। हम सभी समाज में सद्गुण की दिशा में मार्गदर्शन करें और हमें एक उदाहरण बनाएं। प्रभु हमें आपके पाठशाला में आपके वचनों का अध्ययन कर करके आपके अद्भुत ज्ञान और समझ को पाना चाहते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें यह सिखाएं कि सद्गुण जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, विश्वास और दया कैसे हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। प्रभु आपके आदर्श में हम यह सीखने को मिलता है कि हम दूसरों के साथ सहानुभूति और समर्थन देना चाहिए। आपने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति को सम्मान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। प्रभु आपकी शिक्षा के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि दुखी और ऐसा असहाय लोगों की सहायता कैसे करनी चाहिए और कैसे हम सभी एक एक बड़े परिवार के रूप में देख सकते हैं। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें विश्वास शक्ति दे ताकि हम समाज में सद्गुण लाने के लिए साहसी हो सके। आपके आदर्श के साथ हम यह समझ है कि सच्चे धर्म का अर्थ है सबके साथ चलना और उनकी मदद करना, चाहे वह किसी भी परिस्थिति के में हो। हे पिता, हम सदैव आपके मार्ग पर चले। हे प्रभु, हम आपके अनुसार जीवन जिए। हम जहाँ हमारा प्रतिफल आपके शरण में है। हे परमपिता, दैनिक दिशा प्रदान करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी कृपा, आपकी महिमा बनी रही रहे। हे प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं। हे प्रभु, आपका राज हमारे जीवन में आए। हे परमपिता परमेश्वर, मैं पूरे मन से आप पर भरोसा रखता हूँ। हमें ऐसी कृपा दीजिए प्रभु कि आज हमसे कोई भी पाप गुनाह ना हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेंगी। पिता आपकी महिमा हो। धन्यवाद। आमीन।